वेलकम बैक गाइस टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ एफसी मोबाइल। तो नेशनल वेलर का इवेंट आ चुका है बहुत दिनों के वेट करने के बाद, और टीम ऑफ द वीक की भी डेट आ चुकी है। 25 जनवरी को आने वाला है टीम ऑफ द ईयर, सॉरी वीक नहीं। और मैंने टीम आपको वोट करके बता दी थी, तो आपकी भी टीम क्या है हम मेरे को बताओ कमेंट्स में फटाफट से। और हम लोग चेकआउट करने वाले नेशनल वेलर इवेंट, क्या क्या नए प्लेयर्स आए। सबसे पहले हम लोग गैलरी चेक करते हैं टीम ए। सो एज यू कैन सी 95 रेटेड ड्रोगबा, 94 रेटेड नकाता, सब तीन आइकन्स आए हैं। और 95 रेटेड सन आया हॉन्गविन सन 95 रेटेड, और 94 रेटेड सला आया, स्ट्राइकर कार्ड आया है कार्डियो मेन। दूसरे सब कार्ड तो नॉर्मल है, बारिश भी है 90 रेटेड। तो देखते हैं क्या है ये इवेंट्स में, इनको देखना होगा। और चैटरी भी आया यार 6 रेटेड कार्ड। सबसे पहले मैं चैटरी का कार्ड देख लेता हूँ क्या क्या इसकी एबिलिटीज है। सो 4 स्टार वीक फुट स्टेमिना, 4.5 किल मूव, 3 स्टार, 84 पेस। ओवरऑल तो अच्छा पेस है, 80 शूटिंग, शूटिंग अच्छी है चैटरी की, 75 ड्रिबलिंग, 76 फिजिकल। सो मेरे हिसाब से तो ठीक ठाक नॉर्मल ही स्टैट्स है। उसके ट्रेड्स ट्रेड्स देख लेते हैं। तो लीडरशिप ट्रेड, लॉन्ग शॉट टेकर, पावर हेडर, टीम प्लेयर, हाई वर्किंग रेट, अटैक और डिफेंस का मीडियम है। और ट्रांसफ़र कितना है इसका, तो 2 मिलियन में मिल रहा है। आई थिंक मैं इसको ख़रीदना चाहूँगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग इसका रिव्यू करेंगे। तो मैं 290 में मिल रहा है ना, आई थिंक मैं सबसे पहले इसको ही ख़रीद लेता हूँ। इसको ख़रीद के हम लोग टीम में रखेंगे, और ड्रोगबा भी हम लोग ख़रीदेंगे। तो मेरे पास अभी नेमार कार्ड है, नेमार कार्ड में से, तो आई थिंक मैं ड्रोगबा खरीद सकता हूँ फिर। तो लेट्स गो, चैटरी कार्ड इज हियर एंड कलेक्ट करते हैं 2.9 मिलियन में। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्लब में ज्वाइन करते हैं इसको। ओके तो गाइस ये अपनी टीम है। सबसे पहले मैं स्ट्राइकर की पोजीशन में चैटरी को रखता हूँ। ओके तो इसका मैं ट्रेनिंग बूस्ट कर देता हूँ, सबसे पहले लेवल 5 ट्रेनिंग कर देता हूँ। ऑल राइट गाइस, तो ट्रेनिंग लेवल 5 हो चुका है। उसके अभी डिटेल्स देखते हैं। तो अभी इसके डिटेल्स है 90 पेस, 85 शूटिंग, 71 पासिंग, 81 ड्रिविंग। तो अभी लेवल अप करने के बाद इसके स्टेट्स बहुत अच्छे बढ़ गए सुनील छेत्री के। तो हम लोग इससे एक दो मैच खेलने वाले हैं। और सबसे पहले तो मैं नेशनल वेलर साइनिंग में देख लेता हूँ। और 89 रेटेड लेफ्ट विंग प्लेयर आने वाला है मिस्ट्री साइनिंग में, तो देखते हैं कौन सा प्लेयर है वो। तो डोकू आने वाला है आई थिंक। ये ओ नाइस नाइस नाइस, स्टेट्स देख लो आप लोग, 97 पेस, 80 शूटिंग, और बहुत ही अच्छा खेल रहा है मैन सिटी में, मैनचेस्टर सिटी में। एक बहुत ही अच्छा खेल रहा है लेफ्ट विंग में, और बहुत ही अच्छे अच्छे गोल मारे, मैंने इसके हाइलाइट्स देखे हैं। तो अभी देखते हैं, अभी मेरे पास शायद से एक और, तो लेट्स गो अभी विंटर वाइल्ड कार्ड में, लेट्स गो। तो विंटर वाइल्ड कार्ड में हमें क्लेम करना है प्लेयर यहाँ से। वेट अ सेकेंड, इसमें मैं क्लेम करने वाला हूँ 89 to 95 रेटेड प्लेयर क्लेम करने वाला हूँ। तो लेट्स गो, बल प्लेयर होगा ये शायद से, तो 95 रेटेड, फिंगर्स क्रॉस। ओ अरे यार, मुझे लगा हॉलैंड है। 90 रेटेड राइसन, अच्छा है अच्छा है, बुरा भी नहीं है, इतना भी अच्छा भी नहीं, एकदम बुरा भी नहीं है। तो हम लोग इसको खिला सकते हैं लेफ्ट विंग में, इसको हम लोग बेंच पे रखेंगे। और शायद से विंटर वाइल्ड कार्ड का इवेंट अभी थोड़े दिनों में ख़त्म होने वाला है, तो अभी हम लोग चेकआउट करेंगे, तो अभी हम लोग चेकआउट करेंगे नेशनल वेलर इवेंट। इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ आई है। सो सबसे पहले तो इसमें स्टार पास आया है, तो स्टार पास देख लेते हैं। तो स्टार पास में हमें सीडीएम्स 3 मिलने वाला है, और लास्ट में रायन मिलने वाला है।
92 रेटेड जीके। आई थिंक आप लोगों को आपके पास जीके नहीं है तो गोलकीपर अच्छा नहीं है, और शायद ऑस्ट्रेलियन है, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है। राइट गाइस, वी आर बैक। तो मेरे ख्याल से स्टार पास इतना भी खास नहीं है, डुडेक मिल रहा है फ्री में, तो आपको तो खरीदना नहीं चाहिए, कुछ खास नहीं है इसमें। तो लेट्स गो, नेशनल पास तो देख लिया हम लोग ने, चेकआउट कर लिया है, और एक्सचेंज भी आए होंगे शायद से। सबसे पहले मैं यहाँ से गिफ्ट देख लेता हूँ, तो ये तीनों, अच्छा ये तीनों मिल सकते शायद से। हाँ ये तीनों में से हमें कुछ ना कुछ मिल सकता है। सो आई थिंक हम लोग सबसे पहले नेशनल पॉइंट्स कलेक्ट करने होंगे, तो लेट्स गो। 5 नेशनल पॉइंट तो हम लोग ने कलेक्ट कर लिए है। अभी नेक्स्ट शायद से ट्रेनिंग होगी, 5 5 5 15 और 25 पॉइंट्स मिलने वाले हैं, और यहाँ से एक्सचेंज में से भी शायद से 10 पॉइंट मिल जाएंगे। हाँ तो यहाँ से 10 पॉइंट और मिल जाएंगे शायद से, हाँ 10 पॉइंट यहाँ से और मिल जाएंगे। सबसे पहले देखेंगे पॉइंट्स का क्या करना है हमें, वो हिसाब से हम लोग कलेक्ट करने वाले पॉइंट्स। तो सबसे पहले मैं ये पूरा का पूरा इवेंट कंप्लीट करता हूँ, सबके सब जो ट्रेनिंग से। ऑल राइट गाइस, तो हमने चारों के चारों, तीनों के तीनों ट्रेनिंग कंप्लीट कर दी है, एक मैच कंप्लीट किया है, और अभी हमारे पास 25 पॉइंट्स है। अभी देखते हैं ये 25 पॉइंट्स हम लोग क्या करना पड़ेगा। तो लेट्स गो, आई थिंक 40 पॉइंट्स हमें ये करना होगा। तो हमें 40 पॉइंट्स करेंगे तभी जाके हम लोग ये पैक ओपन कर सकते हैं, 5 बार हम लोग ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले एक्सचेंज देखते हैं यार, कौन कौन से एक्सचेंज है, बहुत सारे एक्सचेंज आए हैं, तो एक एक करके सबके सब एक्सचेंज 40 पॉइंट वाला कंप्लीट करेंगे शायद से हो पाए। तो सबसे पहले 89 रेटेड अनट्रेडेबल कार्ड है, 89 रेटेड 2 प्लेयर्स है यार। ओके, तो पॉसिबल रिवर्स है 94 पैक करने का, तो ये पैक तो हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बहुत ही सारे पॉइंट्स चाहिए, और बाद में फ्यूचर में हम लोग ट्राई करेंगे ये सब एक्सचेंज कंप्लीट करने का। तो हम लोग सबसे पहले ना 40 पॉइंट करने का सोचते हैं गाइस। तो अभी मैंने एक ऐड देखी है, उससे 5 पॉइंट और मिल गए, तो हमें शायद से ये वाला एक्सचेंज कंप्लीट करना होगा, 75 वाला एक, तो इस समय 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो ये वाला इवेंट आप लोगों को यही सब करना होगा, इससे ही जाके आप लोग कंप्लीट कर पाएंगे ये इवेंट को। फिर ये माइलस्टोन कब कंप्लीट होगा यार। ऑल राइट गाइस, तो मैंने अभी यहाँ से एक ऐड देख ली और ये एक्सचेंज कंप्लीट कर दिया है। तो अभी हमें ये जो 6 माइलस्टोन है ये कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले ये 6 के 6 एक्सचेंज कंप्लीट करने होंगे, तभी जाके हम लोग ये कर सकते हैं। और आई थिंक ये करना मेरे ख्याल से तो वर्थ इट है, क्योंकि इसमें एक मैश्योरानो मिल रहा है, 5 मिलियन पॉइंट्स मिल रहे हैं, दूसरे वाले पे 89 to 94 रेटेड एक्सचेंज मिल रहा है, वो भी अनट्रेडेबल है, सॉरी ट्रेडेबल है, और एक 91 रेटेड CM सेंटर मिड प्लेयर मिल रहा है। तो हमें सेंटर मिड प्लेयर की तो एक ज़रूरत है, तो मेरे ख्याल से हम लोग ये सब कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ये पैक ओपन करता हूँ और देखते हैं क्या मिलता है। फर्स्ट पैक ओपनिंग ऑफ वेलर और 82 रेटेड अली, ये भी इंडियन प्लेयर है। इंडियन प्लेयर्स ये नेशनल वेलोर में, मतलब शायद से ये एशियन एशियन ग्रुप है ना, वो हिसाब से हम लोग को सब इंडियन प्लेयर्स मिल रहे हैं। सो यही था इवेंट, और आगे भी और भी चैलेंज आने वाले हैं, तो ये तो आप लोगों को सब पता चल गया। तो अभी हमारे पास सुनील छेत्री कार्ड है। और राइट गाइस, तो यहाँ पर क्वेस्ट में आप लोग देख सकते, एक हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है, स्वैप 1 नेशनल वेलोर 24 प्लेयर इन द स्टार्टिंग 11, ये तो कंप्लीट हो चुका है। 10 एड्स देखनी है वो भी कंप्लीट कर देंगे। रैंक अप एनी प्लेयर ट्वाइस, तो हम लोग डूडेक से किसी को भी 2 बार रैंक अप करना होगा। और दूसरा इसमें अक्वायर 7 नेशनल वेलोर पैक्स, ओके 7 पैक ओपन करने हैं नेशनल वेलोर के, और 10 राइवल्स मैच खेलनी है डिवीजन, और 40 मैचेस खेलनी है, 20 असिस्ट करना है, असिस्ट गोल करना है, 20 टैकल्स कंप्लीट करना है। तो ये सब इजी इजी क्वेस्ट है, तो ये तो हम लोग कंप्लीट कर देंगे, इसमें से 1000 पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो ये सब इजी इजी क्वेस्ट
क्वेस्ट है, तो इसमें तो हम लोग कंप्लीट कर देंगे। इससे हमें 1000 पास पॉइंट मिल सकते हैं और नेशनल पॉइंट भी 100 मिल रहे हैं, तो ये हमें कंप्लीट करना ज़रूरी है। दूसरे का विंटर वाइल्ड कार्ड के, विंटर वाइल्ड कार्ड का भी नया एक और आया है, तो ये भी हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ऑल राइट गाइस, तो हम लोग पैक्स देख लेते हैं नेशनल वेलर के, कौन से पैक आए हैं। विंटर वाइल्ड कार्ड तो सेम है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले। इसको दूसरा लैब इवेंट है ये वाला नेशनल वेलर के, ये पैक का खोलना जरूरी है आप लोग को, पैक कंटिन्यूसली खोलना है आपको। तो लेट्स गो, ये भी पैक हम लोग ने ओपन कर लिया। डिवीजन रिवल्स में क्या क्या नया आया है? अच्छा, तो 10 वीकली रिमिट 10 कर दिए लोग ने टीम ऑफ द वीक का, तो नाइस नाइस, ये भी अच्छा है। तो यहाँ पर पैक है $1200, 1200 जेंट्स का पैक है, इसमें भी हम लोग अच्छे अच्छे प्लेयर्स पैक कर सकते हैं। हम लोग ट्राई करेंगे ये वाला 10 बार हम लोग खोल सके। यार इसमें तो कुछ खास है नहीं, हमें स्टैंडर्ड पैक है ना, तो भी हम लोग ट्राई करेंगे। और ये भी पैक अच्छा है, 18 हज़ार जेम्स का। जेम्स का कुछ ना कुछ जुगाड़ करना होगा हमें। लेट्स गो, एक्सचेंजेस देख लेते हैं नेशनल वेलोर में। 90 रेटेड अल जबार आया है, तो इसको देख लेते हैं। 88 रेटेड 1 प्लेयर, 85 3 82, इसको हम लोग को कंप्लीट कर सकते हैं हम लोग। टीम ऑफ द वीक है, हीरो प्लेयर भी है हमारे पास शायद से, एक टावरे को हम लोग कर सकते हैं, इसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे आगे की वीडियो में। और अच्छा, 88 to 94 रेटेड एक्सचेंज आया है शायद से, तो हम लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं मेरे ख्याल से। इसको कंप्लीट करेगा, ये सब बाद में देखेंगे, अगर रिक्वायर्ड रहेगा, नहीं तो हमें वो भी एक्सचेंज कंप्लीट करना है ना। तो एक और एक्सचेंज आया, प्लेयर ऑफ द मैच एकर, तो अच्छे अच्छे एक्सचेंज आए इसमें भी, नाइस। ये तो विंटर वाइल्ड कार्ड के तो है ही एक्सचेंजेस, मुझे ये प्रॉमिसिंग लग रहा है। 88 to 94 रेटेड, आई थिंक इसमें हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर अभी नहीं, पूरा देख वेख के करना चाहिए हमें, क्योंकि नेशनल वेलर में भी हमें बहुत सारे एक्सचेंज करने हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं, एक मैच लगा देते हैं, डिवीजन सॉरी हेड टू हेड मैच लगाएंगे चैटरी के साथ और देखेंगे। लेट्स गो गाइस, तो हम लोग ने फर्स्ट हेड टू हेड मैच लगा दिए। सामने है बार्सिलोना का आयुष, आई लाइक ट्रॉफिक्स है इसके पास, और अच्छी टीम है। 91 अटैक, 91 Welcome डिफेंस। everyone on a perfect night for football with the floodlights beaming down. I'm Derek Ray and sharing commentary with me ये as देखो, usual ये है अपनी is टीम, Stuart Robson. And with kickoff just सामने moments ये टीम है, away, we really should be in for a नाइस टीम है। magnificent occasion. It's Arsenal facing Barcelona. Thanks, लेट्स Derek. गो, I किक love ऑफ that we talk कंप्लीट about the करते हैं। tactics, the तो फ्री किक मिल चुकी है, शायद से चैटरी मारेगा फ्री किक, थोड़ा सा गोल से थोड़ा सा दूर है, आई थिंक ये हम लोग मार सकते हैं फ्री किक। लेट्स गो, ओ Well, really stout defending there, बहुत ही अच्छा off the डिफेंस line. किया। लेट्स गो, That's what you call defending from the front and ओ off the crossbar. Well, he must have thought that was in. He struck it so cleanly. बहुत ही अच्छा डिफेंस और बहुत ही अच्छा गोल हो सकता था रॉबर्टो कार्लोस की तरफ से। But timely defending when it mattered, and it will be an Arsenal free kick. लेट्स गो, एक और फ्री किक मिली है। Well, they have elected to go to the bench at this stage of the game. Understandably, he wanted to give it a go, but straight at the keeper. Well, the यार, managers will now deliver नेट पे their दो बंदे half-time कैसे खड़े हो सकते, गोल We're कीपर ही at the खड़ा end रहना of चाहिए ना। 45 minutes. Federico Chiesa. Trying to really get at the opposition here. Chance to जिडैन, put them in front. Well, ओह what a stop that was. लेट्स गो, फ्री किक और एक कॉर्नर, हेडशॉट हेडर, And cleared away. लेट्स गो। Well, we're inside the final quarter of an hour now. And the referee has given the advantage लेट्स to गो, लेट्स गो, Barca. एक और फ्री किक But मिली now it हमें, is going to be a free kick after the second That's infringement. नहीं जाएगा कोई भी हालत में। फिर से ट्राई करते हैं, वो जा रहा है फिर से, देखो वहां पर ही। लेट्स गो, Decisive here. लेट्स गो, एक और बार Joe Cole.
अरे यार थोड़ा सा तकलीफ अगेंस्ट की वजह से दिखा नहीं पाया रिप्ले आपको। बहुत ही प्यारा फ्री किक मारा यार रोबर्टो कार्लोस ने, और भाई लेफ्ट बार्सिलोना विंग में उसको कोई रिप्लेस कर नहीं सकता मेरे हिसाब से। तो बहुत ही खतरनाक गोल मारा, लास्ट मिनट गोल है। लेट्स गो, यहाँ से हम लोग शायद से हम लोग जीत ही जाएंगे। मेटे यहाँ से कुछ ना कुछ करके डिफेंस कर लेना होगा हमें। लेट्स गो, लेट्स गो, ये रिंग के तरफ जा रहा है। लेट्स गो, क्लियर कर दिया हम लोग ने। is a brilliant strike as you can see he hits it with so much power the keeper had इट्स no वेरी chance बैड न्यूज fantastic गाइस, finish मैं सेटिंग करते था और यहाँ पर एक गोल मार दिया लास्ट मिनट गोल। क्या ही बोलो, अपना लक बहुत ही खराब है। and with that the जीते हुए referee मैच हम brings लोग हार this चुके हैं। contest to an end all square here in what was a लाइक मुझे thoroughly वायर लेना compelling होगा यार, game डेटा Stuart केबल your बहुत ही खराब है analysis मेरा, well it टूट could गया have है gone either way I thought के both वजह से teams बार were बार very डिस्कनेक्ट positive हो जा though रहा है going मेरा। hammer and tongs from the very start and I think a draw is probably तो the ये fair मैच तो result ड्रॉ हो गई है। तो गाइस, तो आज के इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आज कमेंट्स में जाके बता दो, और भी इवेंट्स के ऊपर हम लोग वीडियोस डालने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड पीस आउट।